कियानू रीव्स का नाम आता है तो ज्यादातर लोग जॉन विक ही गाते हैं। अगले बंदे ने बहुत सारी मूवीज करी हैं लेकिन ज्यादातर लोगों को उनके बारे में पता नहीं है। तीन बताता हूँ जो भाई आपको एक बार जरूर चेकआउट करनी चाहिए। सबसे पहले कॉन्स्टेंटीन जो कि 2005 में आई थी। इस मूवी की कहानी जॉन कॉन्स्टेंटीन के बारे में, जिसको ये जिम्मेदारी है कि वो नर्क और स्वर्ग के डीमंस और एंजल्स के बीच में बैलेंस बना के रखे और वो हमारी दुनिया में घुस के उथल पुथल ना मचाए। क्या होगा भाई, डेविल का खुद का बेटा हमारी दुनिया में घुसने की कोशिश करेगा। अगली मूवी है स्पीड जो कि 1994 में आई थी। इस मूवी के अंदर पुलिस ऑफिसर होता है जो कि एक बस के अंदर रखे हुए बॉम्ब को रोकने की कोशिश करता है। कैची होता है वो बस चल रही है और अगर उस बस की स्पीड 50 से नीचे गई तो वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। तीसरी मूवी जिसने भाई कियानू रीव्स को इतना ज्यादा पॉपुलर कर दिया था, दी मैट्रिक्स। इस मूवी के अंदर जो हमारी दुनिया होती है एक सिमुलेशन के तौर पर दिखाई गई है। हम एक प्रोग्राम का हिस्सा है और हमारे ऊपर एक और दुनिया है जो कि हम सबको कंट्रोल कर रही है। और इतना ही नहीं, उस असली वाली दुनिया के अंदर रोबोट्स दुनिया पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या होगा जब नियो मतलब कियानू रीव्स को उसके बारे में पता चलेगा, इसका जवाब आपको मूवी के अंदर मिलेगा। तीनों जबरदस्त मूवीज एक बार जरूर देखना, लेकिन उससे पहले मूवी चौकी को सब्सक्राइब करें।